अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अभी जो है 12 बज रहे थे और हम लोगों का खाने का टाइम हो चुका था, तो चलते हैं हम किचन में। किचन में हम आ चुके हैं और जब मैं किचन में आई तो मामा ने ये चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी। पता नहीं आज मामा कौन सी डिश बना रही थी, तो इस तरह से बैंगन काट के रखे हुए थे उन्होंने। उन्होंने कहा मुझे लंबे वाले बैंगन चाहिए थे लेकिन वो मुझे मिले नहीं, तो मुझे यही मिले तो मैं यही ले आई। और दूसरी साइड पे यहाँ पर गाजर का हलवा बना रही थी। ये पता नहीं कौन सा स्टाइल था, मैंने ये पहली बार देखा था, पता नहीं कहाँ देखा है इन्होंने ये। अच्छा, इसके बाद जो है सीन ये है कि इसमें जाएंगी ये चार मसाले जाएंगे और एक लहसुन का पेस्ट आएगा, और मैं यहाँ पर अपने कैमरे को चेक करते हुए मैं अपने कैमरे का रिज़ल्ट चेक कर रही थी। खैर, यहाँ पर हमने दही ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे अभी एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप पेस्ट यूज़ कर लें। तो ये जाएगी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी मामा को ये रेसिपी ट्राई करते हुए, क्योंकि इससे पहले मामा ने कभी ये ट्राई नहीं किया। तो मैं भी एक्साइटेड थी कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसका। तो मामा ये मिक्स कर रही थी और मैं जो वीडियो बना रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं काफ़ी बीच में बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैं फ़ोन को कम ही यूज़ कर रही थी। क्योंकि काफ़ी सारा कॉलेज का काम होता है तो उसमें जो है ना मुझे फ़ोन यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर अब जो है मम्मा ने जो ये काट के रखे हुए थे ना बैंगन, इसमें अब ये जो जितना ही मसाला है ना ये लगा देना है। वैसे ग्लव्स है, आप ग्लव्स यूज़ करना, लेकिन मेरी मम्मा यहाँ पर गाँव की औरतों की तरह जो है ना मसाला हाथ से ही लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा मम्मा आपने हाथ से क्यों लगाया, तो मम्मा कहती है हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता मम्मा एक एक करके सब पे लगा रही है, और मैं जो है ना अपने कैमरे का रिजल्ट चेक कर रही थी पूरी वीडियो में, और मैं दिल दिल में बोल रही थी वाह यार मेरा कैमरा कितना अच्छा है। और जब मम्मा ने पहला वाला जो बैंगन जो यूँ खोला था ना, मैंने कहा मम्मा आपने तो इसके गुर्दे ही बाहर निकाल दिए, इतनी बुरी तरह से उन्होंने जो है ना इस तरह से यूँ करके खोला था। अब यहाँ पर मेरी मम्मा ने सारे बैंगनों को ना अच्छे से मेकअप शेकअप करके, ये लास्ट वाला रह गया था इसको मेकअप कर रही थी, और मेकअप करके इनको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आप लोग जितनी देर छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा मतलब उसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो इसके बाद जो है हम जाएंगे पैन की तरफ और उसमें डालेंगे हम तेल। अब तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडे तेल में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तो ज़रा सा गर्म हो जाए ना तो वो फिर जो भी चीज़ हम फ्राई करते हैं वो ठीक से फ्राई होती है, वरना आधी कच्ची सी रह जाती है। अब यहाँ पर एक एक करके इस तरह से उल्टा करके रखना है सबसे पहले। तो हमारे पैन में आ रहे थे 1, 2, 3, 4 आ रहे थे, तो मम्मा ने फर्स्ट स्टेप में 4 रखे और बाकियों को साइड पर रख दिया कि उनको बाद में फ्राई किया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि उनको पलट भी दिया है, एक साइड से इतना प्यारा सा कलर आ गया था। जो फर्स्ट वाले डाले थे ना वो थोड़ा जो है ना काम ख़राब हो गया था, थोड़े डार्क ब्राउन हो गए थे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन इंसान गलती करेगा तो सीखेगा ना। तो अब ये जो है फ्राई हो रहे हैं, इसके बाद हम बाकी वाले भी फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम जो है प्लेट पे निकाल लेंगे। अब जो बाकी के रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह। अब दूसरी साइड पे यहाँ जो मम्मा का हलवा तैयार हो रहा था, तो वो अब इसको मैश करने लग गई हैं इधर, और इसमें जो दूध डाला है जब तक वो सूख ना जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, तब तक इसको पकाना है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो जितना भी मिल्क था वो सारा ड्राई हो चुका है, और मम्मा इसमें असली घी शामिल कर रही थी
दूसरी साइड पर मैं जो है शामी कबाब भी फ्राई करने लग गई हूँ। और इस टाइम पे मैं जो है एक हाथ में मेरा कैमरा था और एक हाथ में जो है मैं चिमटा पकड़ के ये जो है इसको पलट रही थी। और मम्मा ने ये अच्छे खासे खीरे भी काट के रखे हुए थे साथ में खाने के लिए। और ये कबाब जो है ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकालूंगी। और दूसरी साइड पे यहाँ पर जो है हलवा भी तकरीबन तैयार हो ही गया है। और मेरी मम्मा यहाँ पर चाट मसाले का एडवर्टाइजमेंट करते हुए इस पर स्प्रिंकल करी थी। और जो है शामी कबाब भी साथ में सजा के रखे हुए उनको मेकअप शेकअप करके। अब यहाँ हलवा भी प्लेट में वो निकाल रही हैं। यहाँ वो दिखा रही हैं कि देखो इस तरह से ऑयल निकल आता है तो समझो आपका हलवा तैयार है। मैंने कहा ठीक है ठीक है। और यहाँ मम्मा ने जो है ना एक अखरोट के टुकड़े को रख के हलवे को तैयार शेयर कर दिए। ये है जी फाइनल लुक। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।